हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सतीश कुमार। आज इस वीडियो में जानने वाले हैं रिलियस ओसीडी का सोच। रिलियस ओसीडी में जो है किस प्रकार का सोच होता है, उस पर मैंने एक कविता लिखी है। तो उस पर जो है कि कविता मैं आपको सुनाने वाला हूँ। जो ओसीडी में जो थॉट आता है उस पे ये रिलेटेड है। देखिए, मैं इस डायरी में लिखा हुआ हूँ जो आपको सुनाने वाला हूँ अभी पढ़ करके। इसका थोड़ा अर्थ भी जो है आपके साथ हम शेयर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी कोई देवी और देवता का फोटो दिखाई देता है, तब मन में कुछ कुछ होता है, पर पता नहीं क्या से क्या होता है। तब मन में कुछ कुछ होता है, पता नहीं क्या से क्या हो जाता है। जो भी होता है वो ना तो रियल होता है, पर लगने लगता है कि वह रियल है। जो भी होता है वह ना तो रियल होता है, पर लगने लगता है कि वह रियल है। उसके बाद चलता है मन की अंदर लड़ाई। मन बार बार कुछ निगेटिव थॉट को लेकर आता है। उसके बाद चलता है मन के अंदर लड़ाई। मन बार बार कुछ निगेटिव थॉट को लेकर आता है। अगर हम सोच को बार बार देखने की कोशिश करें और समझने का प्रयास करें तो हल निकलेगा, तो हल निकल जाएगा। अगर हम सोच को बार बार देखने का कोशिश करें और समझने का प्रयास करें तो हल निकल जाएगा। जैसे जैसे मन कोई विचार लाता है, वैसे वैसे विचार को समझ कर देख कर डाइवर्ट करना है। जैसे जैसे मन कोई विचार को लाता है, वैसे वैसे विचार को देख करके भटकर डाइवर्ट करना है।